तेजस्वी प्रकाश एंड यू वॉचिंग मी ऑन टेली रिपोर्ट। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, पर इस बार तेजस्वी प्रकाश खतरों के खिलाड़ी में एंटरटेन करते हुए नहीं नज़र आता आएगी। वो बेचारी डरती हुई नज़र आएगी, रोती हुई नज़र आएगी और स्टंट्स करते हुए नज़र आएगी। अच्छा, अगर शूटिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो क्या सबसे ज़्यादा डरावना या स्कैरी था? मेरे लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट सारे स्टंट बहुत डरावने थे, ऐसा कोई भी स्टंट नहीं है। मेरे लिए खतरों के खिलाड़ी में एक्चुअली सारे स्टंट्स बहुत डरावने थे, ऐसा कोई भी स्टंट नहीं था जो बहुत इजी था, जिसे देख के एक्चुअली खुशी हो मन को, सुकून हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे लिए सारे स्टंट्स बहुत टफ थे। अच्छा, लेकिन रोहित सर को डायरेक्शन का कहीं ना कहीं बादशाह माना जाता है, तो उनकी तरफ से कोई एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला हो या आपको सरप्राइज में उन्होंने कोई स्टंट दिया हो चैलेंजिंग करने के लिए? उन्होंने ऑफकोर्स जब मैंने स्टंट अच्छे से परफॉर्म किए हैं तो कॉम्प्लीमेंट किया ही है। पहले लगता था कि मैं इतने अच्छे से कर रही हूँ, सर बोलते क्यों नहीं कुछ। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक ही एक्सपेक्ट्स अ लॉट मोर देन मी। तो जब मैंने फाइनली बहुत अच्छे से परफॉर्म किया तब उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया। और अदर देन दैट मुझे परेशान भी उन्होंने बहुत सारे स्टंट्स में किया हुआ है, मस्ती में मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। अच्छा, हमने BTS मोमेंट्स काफ़ी सारे देखे हुए थे, कैसा रहा को कंटेस्टेंट्स के साथ ऑफ स्क्रीन? बहुत मज़ा आया, हम सभी एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज हो चुके हैं, हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है, हम वीर ऑल लाइक अ फैमिली। अच्छा, लेकिन कोई अगर सबसे ज़्यादा करीब जिनके साथ चिल ज़्यादा कर रही हो या गॉसिपिंग कर रही हो? आई थिंक फिर वो रहेंगे अदा, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत क्लोज हूँ, मतलब बहुत बातें कर पाई हूँ। देयर इज़ अमृता, देयर इज़ करिश्मा, सभी है एक्चुअली, सभी बहुत अच्छे हैं और सभी इक्वली क्लोज हैं। ओके, सो डेली सोप की बात करें तो उसमें कब देख सकते हैं? डेली सोप में कुछ अगर अच्छा हो और मुझे एक्चुअली पसंद आए तो बहुत जल्द, अच्छा, इसी के साथ साथ इनसे हटकर एक सवाल है, बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला रहे, आपको कितना एक्सपेक्टेड? अब एक्सपेक्टेड क्या था या क्या नहीं था उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीतने जो जीतता है वही जीतता है। और कंग्रेचुलेशंस टू हिम। पर अब आप ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात में लें कि खतरों के खिलाड़ी कौन जीत रहा है। करेक्ट है। ओके, इसी के साथ साथ फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ? मैं फैंस को मैसेज मैं फैंस को यही बताना चाहूँगी कि आज तक आपने मुझे डिफरेंट अवतारों में देखा हुआ है और हमेशा पसंद किया है। ये पहली बार है जब मैं एक्चुअली अपने असली अवतार में आ रही हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसमें भी आप मुझे पसंद करेंगे।